चलिए एक बार दोहरा लें कि हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा चतुर्भुज क्या होते हैं, हमने देखा चतुर्भुज के चार शीर्ष, चार भुजाएं, चार कोण तथा दो विकर्ण होते हैं। फिर हमने चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में पढ़ा, जो कुछ इस प्रकार है। समलंब, जिसे अंग्रेजी में ट्रेपीजियम कहते हैं। समांतर चतुर्भुज, जिसे अंग्रेजी में पैरेललोग्राम कहते हैं। आयत, जिसे अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं। वर्ग, जिसे अंग्रेजी में स्क्वायर कहा जाता है। रोम्बस, जिसे हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं। पतंग, जिसे अंग्रेजी में काइट कहते हैं। फिर हमने कोण योग गुण के बारे में पढ़ा, जो कुछ इस प्रकार है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। फिर हमने समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में पढ़ा, जो कुछ इस प्रकार है। विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है तथा सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एक चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या प्रतिबंध है, जो कुछ इस प्रकार है। सम्मुख भुजाएं बराबर हैं या सम्मुख कोण बराबर है या दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है। फिर हमने मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में पढ़ा, जिसे अंग्रेजी में मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और इसके आधा होता है। फिर हमने मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम पढ़ा। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। धन्यवाद।